एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट आस्था प्रकाश डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट, हम में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो एक ऐसा करियर बनाए जिसमें बहुत रिस्पेक्ट हो और बहुत सारा पैसा हो, और उसी चीज के लिए वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या तो फिर एसएससी की तैयारी करते हैं, या अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो वो सीए के कोर्स करते हैं या सीएस के कोर्स करते हैं, और कई सारी करियर अपॉर्चुनिटी जो उनके एनवायरमेंट में होती है उनके लिए उन्हीं सब चीजों की तैयारी करने में लग जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी सर्विस है जो आपको ट्वेल्थ के बाद ही मिल जाती है, और अगर आप और मेहनत करें तो आप इतनी अच्छी डेजिग्नेशन पर पहुंच सकते हैं जिसमें आपको सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है, साथ में सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। सो स्टूडेंट, मैं बात कर रही हूँ इंडियन डिफेंस सर्विसेज की, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की और इंडियन आर्मी की, जो कि हर साल स्टूडेंट को एनडीए के थ्रू या पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के थ्रू रिक्रूट करती है और डायरेक्टली बच्चों को ट्वेल्थ के बाद इन सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो इनको ज्वाइन करें और बहुत अच्छी सैलरी अपने लिए कमाएं। लेकिन जब बात आती है इन सर्विसेज की प्रिपरेशन की, तो कई सारे बच्चे होते हैं वो इन सर्विसेज को ज्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इन सर्विसेज पर फोकस करते हैं, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते। वो अपने घर के आसपास एक दो घंटे के लिए कोई कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर जाके रिटेन की तैयारी करते हैं, घर पर आकर के कभी सेल्फ स्टडी करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, जितना बेनिफिट ये आपको प्रोवाइड करती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी और सर्विसेज आपको इतना बेनिफिट्स, इतने सारे फायदे प्रोवाइड करती होंगी। सबसे पहली बात तो ये सर्विसेज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, मैक्सिमम इसमें 20 इयर्स का ही टाइम रहता है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें या इंडियन नेवी की बात करें तो इसमें सिर्फ 15 इयर्स तक ही आपको काम करना होता है, उसके बाद अगर आप चाहें तो रिटायरमेंट ले सकते हैं। दूसरी बात, इन सर्विसेज की स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी रहती है, 25,000 तो मिलती ही मिलती है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये एन आर्म्ड फोर्स होती है, इसलिए इसमें कभी भी किसी भी रीजन से पेंशन बंद नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ एक ऐसी बात समझाने जा रही हूँ कि आप अपना जो टाइम है, जो कि बहुत कीमती है, आप बाकी चीजों में ना ज्यादा फोकस करके इन सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करें, और ट्वेल्थ के बेसिस पर ही बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी लेकर अपना जीवन व्यतीत करें। और अगर इन सर्विसेज की प्रिपरेशन की बात करूं तो आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस आपको एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आकर के आप इन सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो दोनों ही डायरेक्टर इंडियन एयरफोर्स से एंड इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, और बच्चों को उस डिसिप्लिन तरीके से तैयारी कराते हैं जो कि उन्होंने अपनी सर्विसेज में रहकर सीखा है। स्टूडेंट, ये भारत का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर है, यानी कि आवासीय कोचिंग सेंटर है, और बच्चों को ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही अनोखे ढंग से प्रिपरेशन कराता है। बच्चे को कैंपस में ही रखता है, खाना पीना रहना सारी फैसिलिटीज ये कैंपस में ही प्रोवाइड करता है। जो एनवायरमेंट, जो कि बहुत जरूरी होता है, एक डिसिप्लिन रूटीन जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, वो रूटीन यहाँ पर हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ एक रूटीन के बेसिस पर अभी तक हमने 2003 से लेकर अब तक 10,000 से भी ज्यादा सिलेक्शन इन सर्विसेज में कराए हैं। सो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस। Thank you so very much and have a nice day.